आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमर कसते हुए शनिवार को राजभवन में पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की, जिसमें दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दुर्ग के राजीव भवन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूत करने दुर्ग लोकसभा के समन्वयक पदम कोठारी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी। इस दौरान राजीव भवन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान बैठक में सभी के बीच अपनी बात कहते हुए पदम कोठारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी स्तर पर कांग्रेस की जीत दर्ज कराने पर जोर दिया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जगह जगह हम लोग बैठक ले रहे हैं और कांग्रेस का संगठन मजबूत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी, दामोदर साहू जी, रविन्द्र चौबे जी, रुद्र गुरु जी, जो हमारे दुर्ग जिला के सभी वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के नेतृत्व में संगठन मजबूत है। आने वाले लोकसभा के लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और निश्चित इन बैठकों के दौर के साथ में हमने आज, वैसे हमने पिछले एक हफ्ता पहले 17 तारीख के हमने भिलाई में भी बैठक लिया जिला कांग्रेस कमेटी की, और लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। कल हमारे पायलट जी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रजनी पाटिल जी, सभी लोगों ने रायपुर में भी बैठक लिया है और निश्चित दुर्ग लोकसभा की मुझको जवाबदारी दी गई है समन्वयक बना के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय बैठाल के समन्वयक का जो काम है उसको पूरे निष्ठा के साथ में करने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस दुर्ग लोकसभा सीट जीतेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। UM के बारे में हमारे सभी केंद्रीय नेता चिंतित भी है। दिग्विजय सिंह जी ने अभी UM का डेमो भी कराया, चुनाव आयोग को भी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा, पूर्व में भी अवगत कराया गया। तो UM का जो मसला है वो हमारे केंद्रीय नेताओं ने उसको उस विषय में चिंतन मनन मंथन कर भी रहे हैं और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोगों की जवाबदारी है यहाँ बूथ स्तर तक के कांग्रेस को सक्रिय करने की, मंडल स्तर में, ब्लॉक स्तर में, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम लोग आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके पर्यवेक्षक आदरणीय श्री पदम कोठारी जी यहाँ आए हैं, लोकसभा चुनाव को संपन्न कराएंगे, वो उसको लेकर आज बैठक हो रही है जिला और ब्लॉक स्तर के, और आगामी अब हम ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के बाद फिर वार्ड और फिर जोन कमेटी में। मजबूती भाजपा के झूठ फरेब को जनता तक पहुंचाना है कि ये झूठ कैसे बोलते हैं। अभी जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादे न केंद्र ने पूरा किया है न राज्य ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है और किसानों के साथ भी इन लोगों ने ठगी किया है। किसान की आय दोगुनी करेंगे बोले थे, वो आज तक पूरी नहीं किए हैं। बुलेट ट्रेन चलाएंगे बोले थे, तो बुलेट ट्रेन चलाना तो दूर, जो हमारे लोकल ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, उनको या तो देरी से चल रहे हैं या रद्द हो रही है और ना ही नए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी सदैव से मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है किसी चुनाव की, अगर उनमें थोड़ी भी अगर वो होगी तो वो बैलेट पेपर पे चुनाव कराए और जनता को साबित करे कि वो EVM क्या है क्या नहीं है। एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।